हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एक पेरिनियल प्लांट के बारे में मैं बताऊंगी। यूफोर्बिया का है, इसका नाम है यूफोर्बिया ग्रांटी, और इसका एक और नाम है अफ्रीकन मिल्क बुश। और ये बाकी यूफोर्बिया की तरह इसमें भी सैप निकलता है जब आप इसको स्टॉक को कट करते हो या लीव्स को। और इसकी लीव्स देखिए, विंटर टाइम, ये जनवरी है, कितनी सुंदर कलर की हो गई है। और मैंने इसी प्लांट में देखा है, मेरे प्लांट में जब समर्स थे तो ये एब्सोल्युटली ग्रीन लीव्स थी। ये देखिए, ये थोड़े कुछ महीने पहले की बात है जब ये कलर ऐसा था इसका, 3-4 मंथ्स बैक, और समर्स में और ग्रीन होता है। नेक्स्ट ईयर में दिखाऊंगी मैं आपको। और जब ये फ्रॉस्ट, इस बार ठंड बहुत पड़ी है, देयर वाज लॉट ऑफ ड्यू एंड चिल वेव्स थी, और थोड़ा फ्रॉस्ट था, उसकी वजह से देखिए, लाते लाते इसको हिलाते ही इसमें से लीव्स झड़ गई हैं, लीव फॉल हुआ है। तो इसको बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट भी नहीं पसंद है, इसको बहुत हीट भी नहीं पसंद है। ये एक सेमी सर्क्यूलेंट है, अ टाइप ऑफ सर्क्यूलेंट। तो मैं इसकी केयर भी बताऊंगी और इसको बताऊंगी कि कहाँ लोकेशन पे आप लगा सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी लोकेशन होती है इसको जब आप पॉट में लगाते हो, जैसे मैंने लगाया हुआ है। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक लोकेशन है। वैसे अगर आप इसको ज़मीन पे लगाते हैं तो ये अच्छा बड़ा बुश बन जाता है, 6-7 फीट का, और ये पॉट में इतना बड़ा नहीं हो पाता। मगर ये ऑर्नामेंटल लीव्स वाला प्लांट है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और इसके बारे में और मैं बताती हूँ कि केयर कैसे करोगे आप। केयर करने के लिए सबसे पहले हीट, जैसे मैंने बताया, बहुत कोल्ड और बहुत हीट इसको नहीं पसंद है। अगर बहुत समर्स होती हैं तो आपको फिल्टर्ड लाइट में रखना पड़ेगा, और जब बहुत ठंड होती है, देखिए क्या हाल मैं दिखा रही हूँ आपको, कितनी लीव्स इसकी गिर गई हैं लाते लाते ही। तो मैंने हटाई नहीं है, आई वॉन्टेड टू शो यू कि फ्रॉस्ट से इसकी लीव्स झड़ जाती हैं। तो इसको बहुत ठंड में भी थोड़ा जैसे प्लांट्स के बीच में रखना है, मेरे को रखने में थोड़ा टाइम हो गया था, नहीं तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ये क्लस्टर में है, ये प्लांट्स क्लस्टर में है, इनके बीच में दबा देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये प्रोटेक्टेड रहे। अच्छा, अब ये टेम्परेचर का हो गया। पानी, लाइक ऑल सर्क्यूलेंट्स, इट डजेंट लाइक स्टैंडिंग वाटर, और इस ये डजन लाइक वेट फीट ऑल्सो। तो इसकी पॉटिंग सॉइल ऐसे बनाइए जब आप पानी यहाँ से डालें तो ये फटाफट ड्रेन से निकल जाए। वाटर शुड नॉट स्टैंड इन द पॉट। और जब ड्राई हो जाए ऊपर की 1.5 इंच सॉइल, तब इसको वाटर करिए। ये इसका वाटरिंग का है। और जब फर्टिलाइजर का नेक्स्ट लेते हैं, फर्टिलाइज तो आप जब करिए जब इसका मौसम थोड़ा ठीक हो। इसका ग्रोइंग पीरियड होता है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में आप इसको थोड़ा मार्च अप्रैल में थोड़ा प्रोपोगेट भी कर सकते हैं आप इसको स्प्रिंग में। और क्योंकि वेदर थोड़ा ठीक हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा हाई साइड में होने लगता है धीरे धीरे, तो ये इसका प्रोपोगेशन है। प्रोपोगेशन इसकी बाय सीड से भी हो जाता है, मगर बेस्ट होता है स्टेम कटिंग। इतना काटिए, ऊपर की लीव्स को छोड़ दीजिए, नीचे की सारी हटा के रूटेक्स लगा के इसमें से सैप निकलता है। तो जब आप सैप निकलेगा तो यू कैन लीव इट फॉर सम टाइम कि वो सैप थोड़ा सूख जाए, या फिर अगर बहुत जल्दी है तो यू कैन डिप इट इन स्लाइट ल्यूक वॉर्म वाटर, वॉश इट अवे एंड देन प्लांट द कटिंग। तो बेटर रहता है स्टेम कटिंग। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, इसमें फ्लावर्स भी आते हैं। मैंने, मेरे प्लांट में नहीं आए, मगर थोड़े इनसिग्निफिकेंट से पर्पल फ्लावर आते हैं, मगर ये लीफ, ऑर्नामेंटल लीफ के लिए ही इसको लगाया जाता है। ये देखिए कितना, कितनी ब्यूटीफुल लीफ है। अब फर्टिलाइजर भी हो गया, और इन्फेस्टेशन, इसमें इन्फेस्टेशन होती है, इसमें इन्फेस्टेशन होती है मिली बग्स की और स्पाइडर माइट्स की। स्पाइडर माइट्स के लिए आप चेक करते रहिए, और मिली बग्स के लिए इसको आप लोअर साइड में चेक करिए, क्योंकि जनरली लोअर साइड में टेंडर लीफ में
मिली बग्स अटैक करते हैं और लीफ का सारा सैप ले लेते हैं और ये विल्ट करके ये गिर जाती है और बहुत जल्दी पूरे प्लांट में कवर हो जाता है, प्लांट एकदम लीव्स झड़ जाती हैं एंड इट स्टार्ट्स डाइंग। तो बिफोर दैट हैपन्स आपको क्या करना होगा, मिली बग्स को हटाने के लिए थोड़ा लिक्विड सोप और थोड़ा नीम ऑयल मिक्स करके इसको फिजिकली वॉश करना पड़ेगा, स्पेशली नीचे वाली लीव्स को चेक कर करके। ये तरीका है मिली बग्स को हटाने का। तो आई होप मैंने आपको सारा केयर इसकी बता दी है। इट इज़ वेरी इजी टू केयर फॉर एंड लुक्स वेरी प्रिटी। तो आप इसको ज़मीन पे लगाएंगे तो थोड़ा बड़ा बुश बनेगा, और अगर इसको यूफोर्बिया ग्रांटी को अगर आप इसको पॉट में लगाएंगे तो इट विल बी अ स्मॉल प्लांट एंड इट विल लुक वेरी प्रिटी इन योर गार्डन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।